नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। जन संवाद यात्रा नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान भिवंडी शहर में अंबेडकर नगर से आज शुरुआत हुई, जहां पर भिवंडी शहर के सम्मान्य व्यक्ति और सम्मान्य नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए देखते एक झलक नफरत छोड़ो अभियान का। मुस्लिम सिख ईसाई मेहनत कश सब बहने भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेहनत कश सब बहने भाई, बैर रहे ना काही किसी में, बैर रहे ना काही किसी में, प्रीत की रीत बढ़ाएंगे, प्रीत की रीत बचाएंगे, जोड़ो भारत नवयुग ललकारा है, जोड़ो भारत नवयुग ललकारा है, जिससे मर्जी प्यार करेंगे धर्म जाति को तोड़ेंगे, जिससे मर्जी प्यार करेंगे धर्म जाति को तोड़ेंगे, खुद मर्जी से प्यार करेंगे लिंग भेद को तोड़ेंगे, प्यार धर्म से हो आजाद, प्यार धर्म से हो आजाद, नारीवाद की यह हुंकार, नारीवाद की है हुंकार, जोड़ो भारत नवयुग ललकारा है, संविधान को बढ़ाएंगे, संविधान को बचाएंगे, संविधान को बढ़ाएंगे, लोकतंत्र को बढ़ाएंगे, संविधान घर घर में पहुँचे, संविधान घर घर में पहुँचे, यही संकल्प हमारा है, जोड़ो भारत नवयुग में ललकारा है, करुणाई का नव अभियान प्रेम शक्ति का यह तूफान, करुणाई का नव अभियान प्रेम शक्ति का यह तूफान, कहे जमाना भारत जोड़ो, कहे जमाना भारत जोड़ो, यही आखिरी इशारा है, यही आखिरी इशारा है, जोड़ो भारत जोड़ो। एक मिनट संजय बिचारा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और आपकी नफरत छोड़ो यात्रा में क्या समान करते हैं? देते तो मरा नफरत इत्यादि देना हिंदी जो जातीयता और धर्मांधता नहीं मानते हैं और संविधान की समता और न्याय धर्म निरपेक्षता राजनीति में और सर्वधर्म समभाव समाज में इन मूल्यों के चौखट को मानते हैं, वो सब एक है। वो समाजवादी विचारधारा के हो, मार्क्सवादी विचारधारा के हो, गांधीवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, जो राजनीतिक दल हो या जन संगठन, और इसीलिए जन जन से संवाद इस मुद्दे पर संविधान के पक्ष में संविधान के मूल्यों के आधार करना जो चाहते हैं वो अपनी अपनी यात्रा में नफरत छोड़ो का भी नारा देंगे और संविधान बचाओ का संकल्प भी ध्यान बताएंगे। काय संकल्प ज्या पद्धति ने आता तुम्हें जो नवीन यात्रा जी निघालेला आहे नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा, नक्की काय संदेश देणारा तुम्ही संपूर्ण देशभरात? यही काही व्यक्तिवादी बाब नाही आहे, सामूहिक संघटनांच्या समन्वयातून झालेला आहे आणि एकूण देशभरामध्ये जवळजवळ 500 जिल्ह्यांमध्ये या यात्रा चालू आहे। या पैदल यात्रा आहेत 75 किलोमीटरच्या, कारण आज़ादीचा अमृत महोत्सव मनाने वाले 75 का नाम लेते हैं, आंकड़ा लेते हैं, लेकिन 75 किलोमीटर तक भी अगर नफरत मिटाने का संकल्प जन जन लेते हैं, समझते हैं, तो बौड़ी हासिल ही होगी। और हम लोग इसलिए आज संविधान जो कुचला जा रहा है, जो गैर बराबरी लोगों को हैरान कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था ने थोपी हुई आपदा है, और ये इसलिए है क्योंकि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित है, जो संविधान के अनुच्छेद 39 के खिलाफ है। सकस आहार नहीं मिल रहा है महिलाओं को, विधवा पेंशन नहीं मिलती है, राशन नहीं मिलता है, अंगूठा नहीं चलता है आधार कार्ड में, कैसे कैसे हालत करोड़ों
की संख्या में आज भारत के जन जन भुगत रहे हैं। इस मुद्दे को जो अस्मिता को उस उकसाने से, एकजुटता तोड़ने से भुलाया जाता है, और जो सही अधिकारों के लिए एक चुनौती देने वाली एकता हम लोग करते हैं हासिल, उसको तोड़ा जाता है सामाजिक जन आंदोलनों से। आज शासनकर्ताओं को नफरत हो गई है, और इसीलिए हर आंदोलन को कुचलने की साजिश, ये भी संवैधानिक अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ। तो ये दोनों बातों को एक एक सिक्के के दो बाजू मानकर हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं।